नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। देश के जाने माने और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने की मांग पर अब खुद रतन टाटा ने ट्विटर यूजर्स को इस कैंपेन को रोकने के लिए कहा है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा के साथ ये कैंपेन चलाया जा रहा था कि लाखों युवाओं और लोगों को इंस्पायर करने वाले लेजेंड रतन टाटा को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलना ही चाहिए, जिसकी शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने की थी। अब इस कैंपेन के तेजी से वायरल हो जाने के बाद आज शनिवार को रतन टाटा ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि सोशल मीडिया पर एक अवार्ड की मांग को लेकर एक वर्ग के भावनाओं की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये विनम्र अपील करना चाहता हूं कि इस कैंपेन को रोक दिया जाए। बजाय इसके मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मैं भारतीय हूं और देश की तरक्की और उन्नति में योगदान देने के काम आ सका। इससे पहले टाटा ग्रुप के देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की नंबर वन आईटी कंपनी बनने के बाद भी सुर्खियों में रही थी, जिससे टाटा ग्रुप के शेयर्स में भारी उछाल देखने को मिला था। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।